एक्सक्यूज मी, कैसी हैं आप मिस रियान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आरा, जिस रात आपके बाबा का एक्सीडेंट हुआ मैं ड्यूटी पर ही थी, मेरे ख्याल से वो ठीक हो गए होंगे। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है जल्दी ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगे, फिक्र ना करें। हाँ, मुझे याद आया, जब हम आपके बाबा को लेकर आ रहे थे तो वो होश में नहीं थे, लेकिन कुछ देर उन्हें होश आया था। वो बार बार किसी खत के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन उसके बाद वो फिर बेहोश हो गए। मैंने सोचा आपके लिए ज़रूरी बात होगी, इसलिए आपको बता दिया। एक खत? अस्सलाम वालेकुम, मैं खिज़र शादुलू की बेटी हूँ। मैं यहाँ आई थी और आपने मुझे उनका सामान दिया था, याद है ना आपको? जी हाँ। देखिए, उस वक्त मैं बहुत परेशान थी, मुझे याद नहीं मैंने सामान कहाँ रखा है। आप गार्डन में भूल गई थी, किसी ने उठाकर यहाँ रखवा दी थी। वो चीजें आपकी अम्मी को दे दी हैं। मेरी अम्मी को दे दिया? आजाद भाई जल्दी गार्डन में आ जाइए और किसी से कुछ मत कहिएगा। रियान कहाँ थी तुम? यहाँ से एकदम से गायब होकर कहाँ चली गई थी? तुम्हें कॉल भी की हमने लेकिन तुम्हारा फोन बंद। ठीक है, अब तो मैं आ गई हूँ ना, परेशान मत हो। तुम ठीक हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जी जी सब कुछ ठीक है। ये यहाँ क्यों है? आप भी मुझसे दादा जान की तरह सवाल करेंगे? बहुत परेशान हूँ और सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। बताओ मुझे क्या कर सकता हूँ। मुझे बाबा का सामान दिया था एक नर्स ने, मैं परेशानी में उसे गार्डन में भूल गई और उन्होंने वो अम्मी को दे दिया। मुझे वो सामान चाहिए फौरन। लेकिन तुम क्या करोगी अंकल के सामान का? उस सामान में कुछ ऐसा है जो बाबा मुझे देना चाहते थे। एम्बुलेंस में भी बार बार वो एक खत का जिक्र कर रहे थे। क्या मतलब? यानी बाबा उस रात बगैर किसी वजह के नहीं आए थे वहाँ पर। कुछ है जो वो मुझे बताना चाहते हैं, शायद उस खत में हो कुछ, वरना वो क्यों ऐसी हालत में भी उस खत का जिक्र करेंगे। किसी भी तरह वो खत ला कर दे दीजिए। तुम खुद आकर ले लो आंटी से और बात भी कर लेना उनसे। नहीं, इस वक्त मैं उनसे नहीं मिल सकती हूँ, वो बहुत गुस्से में है, नहीं समझेंगी वो। मुझे यकीन है कि उस खत में जरूर कुछ ऐसा लिखा है जिससे उनकी सोच बदल जाएगी। प्लीज मेरी मदद करते। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ और ढूंढने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर उन्होंने कुछ पूछा तो? नहीं, उन्हें पता ना चले। इस तरह से लेकर आएगा कि उन्हें पता भी ना चले। रियान, यहाँ कोई खत नहीं है, हो सकता है नर्स को गलतफहमी हो गई हो। नहीं आजाद भाई, गलतफहमी कैसे हो सकती है? उस हर जगह तलाश किया लेकिन कहीं नहीं मिला। ठीक है आजाद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कुछ मिले तो मुझे भी लाजमी बताना। ठीक है ठीक है आजाद भाई, शुक्रिया, और जैसे ही बाबा को होश आए मुझे कॉल करके बता दीजिएगा प्लीज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। उन्होंने बाबा का सारा सामान देख लिया, उन्हें कोई खत नहीं मिला। आखिर कहाँ जा सकता है वो खत? खुदा ना खासा किसी और को मिल गया तो?